हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज। तो आज अपन यूनिट फोर्थ इनर प्रोडक्ट स्पेस में नेम थ्योरम है हैन बेनाक और हैनाक बेनाक। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो 17, 10, 13, 15, 16 और 19 में आई हुई है। ओके, तो नेम थ्योरम है इम्पोर्टेंट है और आप लोगों की डिमांड थी कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये थ्योरम बता रही हूँ, बाकी अपन जो बाकी थ्योरम्स हैं वो भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट खुद याद रख के जाना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो नेम थ्योरम है उनके स्टेटमेंट आपको खुद याद रखने हैं। तो सबसे पहले है एम बी क्लोज लीनियर स्पेस ऑफ एन एल एस एन। ये अपने को गिवन है कि एन कोई नॉर्म लीनियर स्पेस है और एम उसका क्लोज लीनियर सब स्पेस है। एंड ए फंक्शनल एफ इज़ डिफाइन ऑन एम। अपने को एक फंक्शनल गिवन है एफ जो एम पे डिफाइन है। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो बाउंडेड हो और साथ में क्या हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। या फिर लीनियर मतलब वो फंक्शन फंक्शनल बोलेंगे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। देखो कोई फंक्शनल अपने को एफ, कोई फंक्शन एफ गिवन है एक नॉर्म लीनियर से दूसरे में। ओके, अब ये फंक्शन फंक्शनल कब होगा? जब ये एक तो लीनियरटी की प्रॉपर्टी फॉलो करे, मतलब अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा टी को टी में लगाऊं, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई पे, तो ये क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इनको, अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई बनाते हैं और ये साथ में बाउंडेड की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अपन बोलेंगे कि जो एफ है वो फंक्शनल हो जाएगा। और यदि अपने को डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो सिर्फ बाउंडेड की प्रॉपर्टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर दे तब उसको फंक्शनल बोलेंगे। ओके, तो एम पे एक फंक्शनल डिफाइन है, देन एफ इज़ एक्सटेंडेड टू ए फंक्शनल एफ नॉट। तो बोल रहा है कि एम पे डिफाइन है ये जो एफ है, इसको एक्सटेंड करें टी नॉट एफ नॉट पूरे स्पेस एम पे। तो कैसे होना चाहिए? सस्ते दोनों का नॉर्म क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, और इसमें अपन एक लेमा यूज़ करेंगे, उसका प्रूफ नहीं करवा रही, डायरेक्ट उसका स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी अपने को गिवन होता है प्रूफ में सबसे पहले वो लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो अपन लेमा यूज़ करने वाले हैं उसका स्टेटमेंट ये है। तो पहले मैं जो अपनी थ्योरम है उसका जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोलना चाह रहा है, क्या अपने को प्रूफ करना है वो मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। एन अपने को नॉर्म लीनियर स्पेस गिवन है, एम इसका सब स्पेस है, राइट। एम इज सब स्पेस ऑफ एन, इक्वल नहीं है, ओके, प्रॉपर है। उसके बाद मैं बोल रहा है कि एफ पूरे एम पे डिफाइन है। तो अपन ने सपोज करो ये एफ ले लिया जो एम पे डिफाइन, एक फंक्शनल है, फंक्शनल है तो ये क्या होगा, लीनियरटी प्लस बाउंडेड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, और ये अपना डोमेन है और ये कोडोमेन। ओके, तो सपोज करो एफ एम में कोई मैंने एलिमेंट लिया एक्स बिलोंग टू एम, तो एफ इस पे ऑपरेट करूँ तो किस में जाएगा, जो कोडोमेन है उसमें, सी मान लो ये सी है कोडोमेन, ये सी भी हो सकता है आर भी हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से उसके आगे ये बोलना चाह रहा है कि f को मैं एक्सटेंड करूँ, मतलब m को थोड़ा सा बड़ा, f को f टोटल m पे है तो मैंने थोड़ा सा पार्ट और ले लिया, सपोज करो ये वाला ले लिया। ओके, तो ये जो f है ये एक्सटेंड होके f नॉट बन जाएगा और टोटल m प्लस, सपोज करो इसमें थोड़े से एलिमेंट और आ रहे हैं, दो चार वेक्टर और हैं, तो ये नया फंक्शनल बन जाएगा एफ नॉट, राइट। ये वाला नया वेक्टर बन गया एफ नॉट, जो एम के ऊपर तो डिफाइन हो ही रहा है, साथ में इस पार्ट पे भी डिफाइन हो रहा है, कंप्लीट पार्ट पे डिफाइन हो रहा है। ओके, ऐसे मैं और एक्सटेंड करूँ तो एफ वन, ये वाला सपोज करो इस पे डिफाइन है, एफ वन है, ये एफ टू डिफाइन है, ये एफ थ्री है, और टोटल अपन क्या कर लेंगे, एन को कवर कर लेंगे। तो ऐसे ही अपन एफ को फंक्शनल को एक्सटेंड कर रहे हैं, एफ वन एफ टू एफ नॉट से स्टार्ट करते हैं, एफ नॉट एफ वन एफ टू ऐसे करके, और एक सेट बनाएंगे जो एक्सटेंडेड फंक्शनल का सेट होगा।
अब देखो इसमें इस फंक्शनल में के ये फंक्शनल मैं एक्स पे डिवाइड, यहाँ पे एक्स है मैंने बताया, यहाँ पे मैंने कोई वेक्टर ले लिया एक्स, ओके। अब इस एक्स पे मैं फंक्शनल एफ ऑपरेट करूँ और इसी एक्स पे मैं एफ नॉट ऑपरेट करूँ, एक्स पे फंक्शनल एफ नॉट, तो ये क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल होगा, मतलब इस एक्स पे चाहे मैं एफ नॉट ऑपरेट करूँ, एफ वन ऑपरेट करूँ, एफ टू ऑपरेट करूँ, कुछ भी ऑपरेट करूँ, कोई भी फंक्शनल, तो वो क्या देंगे, इक्वल वैल्यू देंगे कोडोमेन की। एफ नॉट एक्स, एफ वन करूँ, एफ टू करूँ, एफ थ्री करूँ, जितने भी करूँ तो वो इक्वल वैल्यू देंगे। साथ में ये दिख रहा है अपने को, ये जो कोडोमेन है एफ वन का, सॉरी डोमेन है एफ वन का, वो एम है, एफ टू का, सबसे पहले एफ का डोमेन एम है, उसके बाद में अपन एफ नॉट डिफाइन किया तो उसका डोमेन ये वाला था, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि जो एफ वन है उसका डोमेन क्या है, लेस देन इक्वल एफ टू, राइट। ये वाले सारे रिलेशन अपन यूज़ करेंगे और ये होता है ऑर्डर्ड रिलेशन। और ये वाला भी मैंने बताया कि डोमेन कोडोमेन भी से जो डोमेन है वो भी चेंज हो जाएगा, डोमेन इसका तो एफ का तो एम होगा, उसके बाद में थोड़ा सा ऐड कर देंगे ये एफ नॉट का, फिर ये एफ वन का, फिर ये एफ टू का, तो ये डोमेन ऑफ एफ वन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ टू, ये भी अपन क्लियरली दिख रहा है यहाँ से। तो ये सारे रिलेशन अपन यूज़ करेंगे और इस एक्स पे मैं एफ ऑपरेट करूँ वही वैल्यू आएगी, एफ नॉट ऑपरेट करूँ, बट यहाँ पे देखो ये वाला सपोज करूँ मैं इस एरिया में पॉइंट लाऊँ, वेक्टर लाऊँ, तो उसके ऊपर मैं एफ ऑपरेट करूँ, एफ वन ऑपरेट करूँ, एफ टू ऑपरेट करूँ, इस एम में ये नहीं है तो एफ ऑपरेट करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू देगा, बट इसके लिए सारे के सारे क्योंकि ये कॉमन एरिया है सबके सब फंक्शन इस पर सेम वैल्यू देंगे। तो अब अपन इतना सब कुछ क्लियर है, तो अब अपन आगे करते हैं, आगे थ्योरम में कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट अपन ये वाला स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। मैंने बताया था एक लेमा यूज़ होगी, तो वही लेमा ये है कि जोन लेमा क्या बोलता है कि ईच नॉन एम्प्टी पार्सली ऑर्डर सेट। तो अपन इस जो अपना फंक्शनल एक्सटेंडेड फंक्शनल का जो सेट था इसको पार्सली ऑर्डर प्रूफ कर देंगे, पी ओ सेट पार्सली ऑर्डर्ड सेट, ओके, हैज़ एन अपर बाउंड। ये क्या बोल रहे हैं कि एक अपर बाउंड रखता है एफ नॉट, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं एफ नॉट, एफ नॉट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फंक्शनल एफ, और ये बता रहा है कि एक अपर बाउंड रखता है जो क्या होता है एक्सटेंडेड होता है, एफ का वॉल फंक्शन सॉरी वॉल स्पेस एन पे एक्सटेंडेड फंक्शन होता है। और ये भी बोल रहा है कि इसके बाद में ये इतना हो तो ये क्या होता है, इन दोनों का नॉर्म इक्वल होता है। तो इसी जॉन लेमा का यूज़ करके अपन थ्योरम को कंप्लीट प्रूफ करेंगे, ओके। तो सिर्फ अपना काम इसमें इतना है कि अपन इसको पार्सली ऑर्डर पीओ सेट प्रूफ कर दें और ये वाला लेमा यूज़ कर लें तो अपना काम बन जाएगा। तो पार्सली ऑर्डर्ड सेट होता क्या है वो देखते हैं पहले। पार्सली ऑर्डर सेट क्या होता है, एक तो शायद आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पता होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, फर्स्ट अपन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, मतलब सेटिस्फाई करवाते हैं रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक और थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ओके। जब ये तीनों प्रॉपर्टी कोई सेट सेटिस्फाई कर दे तो अपन बोलते हैं उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, ओके। तो इस रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं कि ए का रिलेशन ए से ही दिखाते हैं, ओके, और सिमेट्रिक में क्या करते हैं, ए का रिलेशन बी से दिखाते हैं, तो क्या होना चाहिए, बी रिलेट टू होना चाहिए ए, मतलब बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए, रिलेशन अपने को गिवन होता है। और ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए का रिलेशन बी से हो, ए रिलेट टू बी, बी का रिलेशन ए से हो तो क्या, सॉरी बी का रिलेशन सी से हो तो क्या बोलते हैं, ए का रिलेशन भी सी से है। बट यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पार्सली ऑर्डर प्रूफ कर रहे हैं सेट को, तो इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी ही चेंज होगी, कौन सी, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की जगह आ जाएगी एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव एंटीसीमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अपन सेटिस्फाई करवाएंगे पार्सली ऑर्डर सेट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप वही लिखोगे जो अपने को गिवन है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट एम बी क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ एन एल एस एन, ओके। अब मैंने बताया था कि एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं, तो एक्सटेंड का जो सेट बनाया एक्सटेंशन फंक्शंस का, फंक्शनल्स का, तो ये उसको जी बोल दिया, जी इज इक्वल टू एफ नॉट एफ वन एफ टू एक्सटेंशन ऑफ फंक्शनल, यहाँ पे फंक्शनल लिखते हैं ना, फंक्शनल एफ, ओके, जो पूरे
स्पेस जो नॉम लीनियर स्पेस एन उसको कवर कर रहा है ये वाला सेट। अब फर्स्ट वी शो दैट जी इज पोसेट पार्सली ऑर्डर सेट विद द रिलेशन। ये रिलेशन मैंने डिफाइन करके बताया आपको कैसे है। एफ एन इज सब लेस देन इक्वल, यहाँ पे लेस देन इक्वल ना बोले कि इसको ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। एफ एन लेस देन इक्वल एफ टू, इक्वल किस कौन से के होगा जो मतलब कॉमन एलिमेंट थे ना अपने एम के उनके लिए इक्वल होंगे बाकी लेस देन होंगे। और बाद में बोल रहा है कि डोमेन ऑफ एफ वन इज सबसेट डोमेन ऑफ एफ टू, दिख ही रहा था अपने को एम जो अपना जो एम है वो सबसे सबसे पहले वाले का था, उसके बाद में अपन एक्सटेंड करेंगे उससे तो छोटा हो जाएगा फिर उसमें कवर होगा, फिर ऐसे करके डोमेन ऑफ एफ वन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ टू। नेक्स्ट पेज अब देखो, और साथ में क्या है एफ वन एक्स इज इक्वल टू एफ टू एक्स। ओके अब स्टार्ट करते हैं कि ये पार्सली ऑर्डर होगा जब ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते देन वी कैन से इट इज़ पार्सली ऑर्डर सेट एंड वी यूज द लीमा जोर लीमा। ओके तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एफ वन का रिलेशन एफ टू से हो जाए, तो यहाँ से यहाँ पर रिलेशन क्या था एफ वन इज लेस देन इक्वल एफ टू ये वाला, और ये वाला किसके साथ में था ये कब होगा जब वेट अ मिनट तो यहाँ पे देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये अपना रिलेशन गिवन है एफ टू और ये है तो क्या क्या है डोमेन ऑफ डी रख रही हूँ डोमेन ऑफ एफ वन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ टू और उसके साथ में एफ वन एक्स इक्वल है एफ टू एक्स के। ओके तो जब ये वाली चीज है मतलब ये वाला रूल है उसके बाद में ही ये इसके साथ में ये इसी की वजह से ये बन रहा है ये दोनों। ओके डोमेन ऑफ एफ वन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ टू। अब क्या कर रहे हैं अपन, मैंने बताया था जब अपना रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है उसमें क्या करते हैं ए का रिलेशन ए से ही दिखाते हैं। ओके तो यहाँ पे अपन क्या दिखाएंगे एफ वन इज सबसेट ऑफ एफ वन इट्सेल्फ। तो एफ वन अपन ने जी से ले लिया कोई फंक्शनल। ओके अब अपने को पता है कि जी से फंक्शनल है तो एफ वन का खुद से ही रिलेशन है, इसको पता है कि खुद का हर एक सेट खुद का क्या होता है सबसेट होता है राइट। तो उसी की डेफिनेशन से सब इट्सेल्फ की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ वन सबसेट हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ वन का, हो सकता है ये। अब ये भी पता है कि एफ वन पे एक्स पे एफ वन ऑपरेट करेंगे तो वो मतलब जब मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल करूँगी एफ ऑफ एक्स के तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है खुद खुद के इक्वल होता है वही बात है एफ वन एक्स इक्वल एफ वन एक्स हो गया एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ वन क्लियर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे एफ वन इज लेस देन इक्वल एफ वन, तो ये रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट अपन कर रहे हैं एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके तो उसमें क्या करते हैं कि अपने को क्या दिखाना है दो लेने हैं ए और बी, यहाँ पे फंक्शनल लेने हैं एफ वन फंक्शनल एफ टू फंक्शनल। ओके यहाँ पे दो फंक्शनल लेने हैं तो एफ वन जब लेस देन इक्वल हो एफ टू से तो अपने को दिखाना है कि एफ टू इज़ लेस देन इक्वल है एफ वन के, सॉरी जो अपनी एंट्री समय ये वाला तो क्या होता है ए रिलेट करे बी से देन बी भी रिलेट करना चाहिए ए से, और एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है ये वाला कंडीशन हो ए रिलेट करे बी से बी रिलेट करे ए से तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो यही अपने को दिखाना है कि एफ वन का रिलेशन है एफ टू से और एफ टू का रिलेशन है एफ वन से, एफ वन इज लेस देन एफ टू है और एफ टू लेस देन एफ वन है, ये दोनों सेटिस्फाई हों तो अपन क्या बोलेंगे एफ वन इक्वल एफ टू, ये होता है एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये दोनों अपने को लेके चल रहे हैं एफ वन इज लेस देन एफ टू ये है तो इससे क्या बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ वन अपनी गिवन कंडीशन से पास जो अपन एक्सटेंशन दिखाया था उससे डोमेन ऑफ एफ वन इट सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ टू इससे, और इससे क्या बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ टू इट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ वन। तो यहाँ से आगे इसके बाद में क्या होता है एफ वन इक्वल होता है एफ टू से एफ टू इक्वल होता है एफ वन से, तो इससे और इससे अपन क्या बोल सकते हैं ये जो अपनी इनइक्वालिटी है ये वाली इनइक्वालिटी यहाँ से बोल रहा है एफ वन इक्वल एफ टू के, यहाँ से बोल रहा है एफ टू इक्वल है एफ वन के, यहाँ से एफ वन इक्वल क्या हो गया एफ टू के, ये अपने को प्रूफ करना था। तो सो अवर रिलेशन लेस देन इक्वल या फिर ऑर्डर रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक। नेक्स्ट अपन को करना है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या लेके चलते हैं, ए का रिलेशन होता है बी से, बी का रिलेशन होता है सी से, तो अपन दिखाते हैं कि ए इज़ रिलेट टू सी। तो यहाँ से एफ वन का रिलेशन एफ टू से लेके चलेंगे अपन, मतलब एफ वन लेस देन इक्वल एफ टू लेके चलेंगे, एफ टू लेस देन इक्वल एफ थ्री लेके चलेंगे, और अपन दिखाएंगे कि एफ वन इज़ रिलेट टू एफ थ्री। तो देखो एफ वन लेस देन इक्वल एफ टू लेके चलें, एफ टू लेस देन इक्वल एफ थ्री, ये अपने को गिवन है। तो अपने को दिखाना है कि एफ वन इज़ लेस देन इक्वल एफ थ्री, ये वाला। तो यहाँ से ये वाला गिवन है, तो यहाँ से भी क्या बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ वन इज़ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ टू। अभी डोमेन एफ वन है, तो यहाँ से कि उसके बाद में एफ वन एक्स किसके इक्वल होगा, डोमेन इक्वल है, सॉरी ये सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा एफ वन एक्स एफ टू एक्स इक्वल। ये फर्स्ट से ही दिया इनइक्वालिटी, और इससे क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ टू लेस देन इक्वल डोमेन ऑफ एफ थ्री, एंड एफ टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू एफ थ्री एक्स। ओके, ये दोनों फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये सेकेंड, इन दोनों को दे दिया। यहाँ से देखो अब क्या है, ये बोल रहा है कि डोमेन ऑफ एफ वन है, ये सपोज करो डोमेन ऑफ एफ वन है, राइट। ये उसके बाद में इसी से देख लो, जो अपन ने डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, ये डोमेन ऑफ एफ वन है, इतना मान लो। अब ये दिख रहा है कि एफ टू का क्या है, ये सबसेट है, क्योंकि एफ टू का इतना हो गया, थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे इस एरिया को, फिर और करेंगे, तो सबसे छोटा ये जो डोमेन एफ वन है, ये सबसेट है डोमेन एफ टू के, और एफ टू भी सबसेट है किसका, एफ थ्री का। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ वन किसका सबसेट है, डोमेन ऑफ एफ थ्री का। तो ये लिखा है डोमेन ऑफ एफ वन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ थ्री, सीधी सी बात है, ये छोटा है एफ वन का डोमेन, ये एफ टू का डोमेन, ये एफ थ्री का डोमेन, तो ये एफ वन का डोमेन इस एफ थ्री के डोमेन से भी छोटा होगा। कहाँ लिखा दिया मैंने, देखो ये एफ वन का डोमेन, ये एफ टू का डोमेन, ये एफ थ्री का डोमेन। तो जब एफ वन का डोमेन ये कंटेन कर रहा है, तो ये भी कंटेन करेगा क्योंकि ये इससे बड़ा है। तो यहाँ से अपन ने क्या लिखा, डोमेन ऑफ एफ वन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ थ्री, और यहाँ से एफ वन एफ टू के इक्वल आ रहा है, एफ टू एफ थ्री के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, देखो एफ वन इक्वल एफ टू है, एफ वन इक्वल एफ टू है, और एफ टू इक्वल है एफ थ्री, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अपना जो रिलेशन है ये एफ वन ऑर्डर विथ एफ थ्री, तो यहाँ से अपना जो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो जी क्या करेगा, जॉन लेमा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जी अपना पार्सली ऑर्डर सेट बन गया, तो उसके लिए क्या होगा, एफ वन का नॉर्म क्या होगा, एफ नॉट के नॉर्म के इक्वल होगा। ये अपनी थ्योरम कंप्लीट है, लास्ट में आपको ये यूज़ करके, मतलब ये भी ध्यान में रखना है, इसको ये वाला भी याद करना है। तो आई थिंक आपको जो भी थ्योरम्स में प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट करके बता देना, उनको मैं पहले अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।